आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग कंप्रेसर नेबुलाइजर या नेबुलाइजर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हम लोग का BPL का N6 मॉडल नेबुलाइजर है, कंप्रेसर नेबुलाइजर। ये इसका नेबुलाइजर मास्क है और ये मेन यूनिट है। इस मेन यूनिट के साथ आप देखेंगे ये अपना यूजर मैनुअल और साथ में कुछ फिल्टर्स वगैरह आता है। ये अपना मेन यूनिट है, इसको नेबुलाइजर है। ये नेबुलाइजर आप देख रहे हैं ये AC पावर पे चलता है, यानी ये बैटरी पर ऑपरेट नहीं होता है। हमेशा आपको ये AC पावर सोर्स पे यानी बिजली पे चलाना पड़ेगा। इसमें देख सकते हैं ये अपना कंप्रेसर नेबुलाइजर का, जहाँ नेबुलाइजर का होज लगाएंगे, यानी जो मास्क को जहाँ पे लगाएंगे वो मास्क लगाने की जगह है। ये अपना फिल्टर है, जो फिल्टर आप चेंज कर सकते हैं। जो फिल्टर हम लोगों ने अभी आपको बताया था, जो ये फिल्टर है वो फिल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये फिल्टर लगाने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं येलो कलर का है, इसको बाहर निकाल के और नया यहाँ पे लगा के ये डाल देंगे। फ्रेश एयर यानी हम एटमोस्फेरिक एयर ये यहीं से सक करके और तब यहाँ से कंप्रेस करके भेजता है, यानी हमें आउटलेट यहाँ से मिलेगा और इनलेट एयर का यहाँ से। ये ऑन ऑफ करने की स्विच है, ये अपना पावर कॉर्ड है। ये पावर कॉर्ड को जैसे ही पावर सप्लाई में लगाएंगे हम उसको यहाँ मशीन को चालू कर सकते हैं। मशीन अब देखेंगे, जैसे ही हम मशीन में पावर देंगे, मशीन में जैसे ही पावर देंगे हमारा मशीन अब ऑन होने के लिए रेडी हो जाएगा। देखिए जैसे ही मशीन ऑन करेंगे हमारा मशीन स्टार्ट हो गया है। देख रहे होंगे ये नेबुलाइज करने के लिए कंप्रेस्ड एयर बाहर फेंक रहा है। हम देखेंगे जो हम इसमें मास्क कैसे लगा सकते हैं। ये अपना नेबुलाइजर मास्क है, इसको मेडिसिन बॉक्स बोलते हैं। ये एडल्ट और ये पेडियाट्रिक दोनों मास्क है। ये माउथ में देने के लिए यूज होता है। ये अपना होज है, यानी इसके थ्रू हम मास्क को, मेडिसिन बॉक्स को और नेबुलाइजर को कनेक्ट करेंगे। एक इंड इसका यहाँ नेबुलाइजर के आउटलेट पे लगा देंगे और दूसरे इंड को मेडिसिन बॉक्स के नीचे एक जगह दिया रहता है, वहाँ पे उसको इंसर्ट कर देंगे। ये इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ ऊपर से मेडिसिन बॉक्स खोल सकते हैं। ये पिन की तरह रहता है, ये हमारा मेडिसिन को इवेपोरेट कराने में हेल्प करता है। यानी ये इसमें इस तरीके से देखेंगे आप, ये कोन शेप का बना हुआ है, तो सेम उसके ढक्कन की तरह कोन शेप के ऊपर से ये ढक्कन की तरह इस तरीके से डाल देंगे, ऊपर से ये बंद कर देंगे तो हमारा DTT यूज हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम लेवल दिया हुआ है, जो कितना आप इसमें मेडिसिन कितना इसमें आप भर सकते हैं वो दिया हुआ है। अभी मेडिसिन की जगह पर हम लोग वाटर यूज करेंगे। अब इसमें हम लोग वाटर डालेंगे, देखेंगे जो वाटर जो है हमारा मिनिमम से मैक्सिमम लेवल के बीच में ही होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है हमने मैक्सिमम से नीचे ही वाटर रखा है, ये हमेशा इस तरीके से चेक करेंगे। और ये देख सकते हैं ये हमारा वाल्व है, यानी कितना देना चाहते हैं ये देख रहे हैं। ये जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे ये सर्किट, जब ये फुल्ली क्लोज रहेगा तो हमारा मैक्सिमम आउटपुट रहेगा। जितनी धीरे इसको खोल देंगे तो ये उसका उस हिसाब से फॉगिंग कमता चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इससे फॉगिंग कमता नहीं है, इसका प्रेशर हम इस तरफ रिलीज कर दे रहे हैं तो हमारे जो माउथ पे प्रेशर जाएगा या नोज़ पे प्रेशर जाएगा वो कम जाएगा। मास्क को इसको इस तरीके से यहाँ डालेंगे, ये मास्क हम लोग इस तरह देखेंगे। ये अपग्रेडेड मास्क है, इसमें नोज के लिए यहाँ पे दे रखा है नाक के लिए स्पेस, यानी ये एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है, डिज़ाइन अच्छे से हम नाक पे फिट हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसको चलाएँगे, हम भी इसको क्लोज कर देते हैं, यानी मैक्सिमम कितना फॉगिंग हो सकता है वो अभी देखेंगे। जैसे ही हमने इसे प्रेस किया आप देख रहे होंगे ये फॉगिंग बाहर की तरफ आ रहा है, ये भी आप देख रहे होंगे जो फॉगिंग बाहर की तरफ आ रहा है, देख रहे हैं ये फॉगिंग बाहर की तरफ आ रहा है, तो हमारा ये मैक्सिमम केस में काम कर रहा है। इससे अगर फॉगिंग की स्पीड को कम करना होगा तो धीरे धीरे हम इसको प्रेशर इस तरफ रिलीज कर देंगे, देखेंगे कुछ प्रेशर हमारा इस तरफ आएगा तो फॉगिंग का जो वैल्यू अमाउंट है वो कम गया, यानी लेस फॉगिंग हो रहा है। फिर उसको जैसे ही क्लोज करेंगे देखेंगे फॉगिंग हमारा काफ़ी डेंस हो गया है, यानी फॉगिंग ज़्यादा हो रहा है, यानी दवा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, यानी हम ज़्यादा दवा कंज्यूम कर रहे हैं। इस तरीके से हम बंद कर देंगे, ये हमारा इस तरीके से हम नेबुलाइजर को यूज कर सकते हैं। इसको नोज़ पे हम इस तरीके से नाक पे ले जाके, मान लीजिए हमारा नोज़ है, मुख पे इस तरीके से ला के रखेंगे तो माउथ और
माउथ और नोज़ दोनों इस तरीके से बंद हो जाएगा, और इसको ऑन कर देंगे तो हमारा हम इसको इनहेल कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस ले छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दिया दो आउटलेट दिया रहता है, ये हम सांस छोड़ेंगे तो उस समय आपको कोई समस्या ना हो। इसके साथ ये पेडियाट्रिक मास्क के साथ भी आता है, पेडियाट्रिक ब्रेजर मास्क भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, यानी जो बच्चों के लिए यूज होगा। इसके अलावा माउथ के लिए आप माउथ से सांस लेना चाहते हैं इस तरीके से ये भी यूज कर सकते हैं, तो ये आप मुँह से इसको आप इनहेल कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे जो मेडिसिन बॉक्स में हम हमेशा जो भी हमारा ड्रग है वो ड्रग जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वांटिटी है उसके नीचे ही डालेंगे, उससे ज़्यादा डालने पे क्या होगा हमारा प्रॉपर फॉगिंग नहीं हो पाएगा। इस तरीके से इसको इस तरीके से अंदर से ये होज को लगा के, और ये पिन हमेशा डालेंगे, अगर इनकेस हम ये पिन अगर नहीं डालेंगे तो हमारा फॉगिंग जो है वो नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पाथ ब्रोकन हो जाएगा, हमारा जो प्रॉपर फॉगिंग होता है वो प्रॉपर फॉगिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि एयर इसी के थ्रू आता है, जब तक ये इसमें लॉक होगा ये फॉगिंग नहीं बनेगा, क्योंकि ये सीधा यहाँ से हवा मारेगा और इसके थ्रू ये बाहर आ जाएगा। इसके अलावा किसी किसी मॉडल्स में आप देख सकते हैं जो एक और तरीके का नेबुलाइजर मास्क आता है, एक और तरीके का मेडिसिन बॉक्स आता है, वो कुछ इस तरीके का मेडिसिन बॉक्स रहता है, इसमें भी सेम ही है, नीचे की तरफ से ये होज डालेंगे, नीचे की तरफ से होज डालेंगे, ऊपर ये हटा देंगे। इसमें क्या है जो आप देख सकते हैं वो पतला वाला जो पिन रहता है वो गुम होने के टूटने के चांसेस रहते हैं, इस केस में वो नहीं होगा, इस केस में हम इस तरीके ये पूरा ढक्कन ही निकल जाएगा, इसको यहाँ जो हमारा ये कॉन्सेप है उसके ऊपर इस तरीके से प्रेस कर देंगे, इस तरीके से जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा प्रॉपर फॉगिंग आने लगे। इसमें भी ओपन क्लोज करने का सेम सिस्टम है, जो फॉगिंग आप जिस अमाउंट का चाहिए होगा उस अमाउंट का मिलेगा। अब इसमें भी हम एक बार वाटर डाल के देखेंगे जो किस तरीके से यूज होता है। इस तरीके से हम इसको ये देखेंगे, हमेशा ये पिन जो ये जो अपलेट टाइप का है ये अपोजिट तरफ रहेगा, जिस तरफ हमारा आउटपुट है उस तरफ नहीं रहेगा, अंतर फॉगिंग में ये समस्या क्रिएट करेगा। अब देख रहे होंगे इससे भी फॉगिंग आना स्टार्ट हो गया है, तो आप इस तरीके से दो टाइप के मास्क में भी इसे यूज कर सकते हैं। जनरली यही दो टाइप का मास्क आता है, इसके अलावा भी कभी कभी आपको हो सकता है जो एक दो तरीके का और मास्क पॉसिबल है, पर लगभग लगभग ऑपरेशन सबका सेम ही रहता है। थैंक यू।